अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। इवन दैट कि हम इसमें 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन को, बिजनेस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी 7 C's भी डिस्कस करेंगे, जो 7 principles हैं उसके। लेक्चर बहुत डिटेल्ड होगा और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, ये बाकी लेक्चर की तरह बिल्कुल सेम नहीं होगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले कि ज्यादा देर हो, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट गेन करेंगे कि कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव क्यों करना चाहिए और ये किस तरह से इफेक्टिव हो सकती है, और फिर उसको 7 C's को हम डिस्कस करेंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगी कि कम्युनिकेशन इस तरह की होनी चाहिए जिसमें क्लियर मैसेज डिलीवर होना चाहिए, अगला बंदा आपकी बात को क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। इवन दैट वो आपका क्लाइंट हो, आपका कस्टमर हो, आपका एम्प्लॉय हो, आपका सबऑर्डिनेट हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई पर्सन भी हो, तो वो आपकी बात को क्लियरली और ईजी मैनर के अंदर उसको अंडरस्टैंड कर रहा हो, उसको हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो हमारी इफेक्टिव है, उसका कोई ना कोई असर है। तो इसको फॉर्मली पढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द लिसनर क्लियरली अंडरस्टैंड द मैसेज। जब जो लिसनर होगा आपका, सुनने वाला, वो मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेगा, एंड द स्पीकर इंटेंडेड टू सेंड, जो मैसेज स्पीकर देना चाहता था उसने वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है आपके लिसनर ने, उसको हम कहेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन यहां पे इफेक्टिव हुई है। इसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे और कहां पे ये आपको इफेक्टिव नजर आएगी? मैसेज मस्ट बी डिलीवर्ड क्लियरली। सबसे पहला नंबर पर पॉइंट है कि मैसेज जो है वो क्लियरली डिलीवर होना चाहिए अगले बंदे को। अगर उसमें डिस्टॉर्शन होगी, उसको समझ नहीं आ रही, अगर रिटन है तो आपकी वर्डिंग समझ नहीं आ रही, सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है वो कम्युनिकेशन, उसको बात को अंडरस्टैंड ही नहीं समझ पाया जो आप उसको बताना चाह रहे थे। क्लियर? फिर है लिसनर मस्ट एक्टिव लिसनर। लिसनर पे भी ये डिपेंड करता है कि वो एक्टिव लिसनर हो, ये ना हो कि वो बात आपकी सुन रहा हो लेकिन उसके ख्यालों में कुछ और चल रहा हो, मतलब उसके मंदी के ख्याल उसको आ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा जब भी पॉसिबल होगा तो कम्युनिकेशन वहां पे इफेक्टिव नहीं रहेगी। आप जो बात बताओगे उसको ठीक से समझ नहीं आएगी, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर है हमारे पास एप्लीकेबल टू बोथ रिटन एंड वर्बल। ये दोनों जगह पे लाजमी है। अगर आप बोल के बता रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई थ्रू ईमेल कर रहे हैं, कोई ड्राफ्ट सेंड कर रहे हैं, तो दोनों पे ये एप्लीकेबल होती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपका लिसनर एक्टिव भी हो, मैसेज भी करेक्टली डिलीवर हो, आपकी कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, मीडिया सब कुछ एक्यूरेट हो, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो सबसे पहले तो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे इट प्रमोट्स ट्रस्ट। ये ट्रस्ट को प्रमोट करती है दो पार्टीज के दरमियान। दो बिजनेस पार्टीज हैं, जब डील कर रहे होते हैं तो उनका ट्रस्ट इंप्रूव होता है, जब वो एक दूसरे की बात को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझ आती है, कम्युनिकेशन गैप जब खत्म हो जाता है तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपस में। इट प्रमोट्स टीम मेंबर्स लॉयल्टी। टीम मेंबर आपस में लॉयल रहते हैं। जब अच्छी कम्युनिकेशन होगी, एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगी, आप दूसरे की बात समझ रहे हैं, वो भी आपकी बात समझ रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल वे में आप बात कर रहे हैं, तो आपकी जो लॉयल्टी है एक दूसरे के साथ वो ज्यादा इंप्रूव होगी। फिर है इट इनहेंसेस टीम मेंबर्स एंगेजमेंट। अगर एक बंदा है वो कॉमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा जो आप बता रहे हो उसको, आप एक मीटिंग के अंदर बैठे हो, आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा, आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो उसको समझ नहीं आती है, इस तरह के कुछ साइंस और वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो जिसको समझ नहीं आ रही, तो वो एंगेज नहीं होगा आपकी बात के अंदर, वो अपने ख्याल में लगा रहेगा, उसको समझ नहीं आ रही होगा, दूसरे को पूछता रहेगा, हाँ भाई क्या बता रहा है सर। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि कम्युनिकेशन आपकी इस तरह की होनी चाहिए दूसरे पर इंपैक्ट रखती हो, तो उसका क्या होता है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो आपके मेंबर्स एंगेज रहेंगे। इट इंप्रूव्स टीम वर्क। जब आपस में कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा तो टीम वर्क भी ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगा। तो खत्म कैसे होगा इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं थ्रू 7 C's। इट इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कस्टमर क्लाइंट के साथ जब रिलेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गए, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बिजनेस की इंप्रूव हो जाएगी। रिजॉल्व इश्यूज। कम्युनिकेशन अक्सर हमेशा बात, जिसको कहते हैं बातचीत के साथ आपके मसाइल हल हो जाते हैं बजाय लड़ाई झगड़ों के, तो यहाँ पे ये वही बात करें कि रिजॉल्व इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन इंतहाई अहम रोल प्ले करती है, और वो कम्युनिकेशन जो दोनों फ्रीक हैं, दोनों पार्टीज हैं, दोनों बिजनेस पार्टीज हैं, वो इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको। तो ये उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल तो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है, जो बात कन्वे करना चाह रहे हो, जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो, वो क्लियर मैनर्स के अंदर दूसरे बंदे को डिलीवर हो जाए, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, अगले बंदे को बात समझ आ जाए, कम्युनिकेशन कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल हो।
प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर, अगले बंदे के जज्बात को, फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करना, उसकी लैंग्वेज को, उसके स्टेट ऑफ माइंड को, उसके मूड को अंडरस्टैंड करना भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो दूसरा प्रिंसिपल उसका क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर, रिसीवर को एक्सप्रेशंस को, उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करें, ना कि जस्ट उसकी जो है वो बिजनेस डील के अंदर ही आप जो है वो लग रहे हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी का प्रिंसिपल अचीव करना भी बहुत जरूरी है, जिसके अंदर क्लैरिटी क्या होती है कि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई उसमें वहाम ना रहे जो आप बात कर रहे हो, नो एम्बिग्यूटी। फॉर्मेटिंग द मैसेज, आपका मैसेज का फॉर्मेट इस तरह का होना चाहिए जो अगले को समझ आ रहा है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई स्टेटमेंट ऐसी ना हो, कोई वर्ड ऐसा ना हो, क्लियर। फिर है यूज डिफरेंट मैथड, आप डिफरेंट मैथड यूज कर सकते हैं क्लैरिटी लेकर आने के लिए उसके अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा फीडबैक का प्रिंसिपल। फीडबैक क्या होता है कि जिसमें आप दूसरे पर्सन की भी राय लेते हैं, आगे से उसका रिस्पांस लेते हैं कि वो आपको रिस्पांस क्या दे रहा है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी फॉर सजेशंस एंड आस्क क्वेश्चंस, क्लैरिटी, क्लैरिटी होनी चाहिए, अगला बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे या अगर आप लिसनर हैं तो आप अगले बंदे से क्वेश्चन पूछें ताकि आपकी कम्युनिकेशन का गैप खत्म हो, कि आपको बात के लिए समझ आए। अपॉर्चुनिटी फॉर सजेशन, आप उसको कोई सजेशन दें, इससे पता चलेगा कि फीडबैक मिल रहा है और कम्युनिकेशन उसको बात कम समझ आ गई है और आपकी डील जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ये सारे टैक्टिक्स हम यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम असल बात पर आ जाते हैं जो कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन इफेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन से 7 प्रिंसिपल या 7 C's जिसको हम कहते हैं उसको हम यूज करें तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, कंप्लीटलीनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी एंड करेक्टनेस। दीज आर द 7 प्रिंसिपल, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको अभी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। 7 C's में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कंप्लीटनेस। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कंप्लीटनेस चाहिए, कि कंप्लीट होनी चाहिए। किस तरह से कंप्लीट होनी चाहिए उसको मैंने डिटेल में लिखा है, जो डिटेल आपको कहीं नहीं मिलने वाली। कंप्लीटनेस में है कि मस्ट बी कंप्लीट, आप जो भी बात कर रहे हो वो कंप्लीट हो। अगर आप रिटन के अंदर लिख रहे हैं तो आपकी बात, आपका सेंटेंस, आपकी जितने भी वर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए। उसमें शॉर्ट फॉर्म्स आपने यूज नहीं करनी, आपने बोलते वक्त भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी, एब्रीवेशन यूज नहीं करने, आपने वो बात करनी है जो कंप्लीट हो, जो अगले बंदे को फॉर्म से समझ आ रही हो। फिर है कन्वे ऑल फैक्ट्स, और वो बात करें जो जो भी आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सब के सब फैक्ट्स को क्लियर कर रही हो। ये ना हो कि उसके पीछे कोई एम्बिग्यूटी रह जाए, कोई बात ऐसी रह जाए जो अगले बंदे को समझ ना आए, लेकिन वो जब डील कर रहे हो आप बिजनेस की तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सो दैट कि जो हमारी कन्वर्सेशन है वो ऑल फैक्ट्स को कन्वे कर रही हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट, ये मैंने पहले भी आपको बताया इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कि जो कम्युनिकेशन जिसके साथ आप कर रहे हैं, जो लिसनर है आपका, उसका माइंडसेट भी देखें, वो उसका माइंडसेट किस तरह का है, वो उसके एक्सप्रेशन किस तरह के हैं, वो आपकी बात को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा है, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो चाह क्या रहा है आपसे, तो उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी फीलिंग को भी अंडरस्टैंड करें, फिर ही आप कंप्लीट मैसेज और अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे उसको। ये हमारा कंप्लीटनेस में आता है। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास नो क्रूशियल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, कोई भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, कंप्लीटनेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यही बताती है कि कोई भी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। अगर वो मिसप्लेस होगी तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा और आपके मसाइल जो है वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस डील खराब हो सकती है, आपके बहुत सारे और अदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो सकता है कि आपने कुछ सुना, उसने कुछ कहा, आप कुछ बताना चाह रहे थे, ठीक है, तो प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है। गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको जब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप उसको अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, किसी और चीज़ के अबाउट कन्वे करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे लाया करती है कि आप उसको वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दें, अगर आप ये समझते हैं कि ये जरूरी है इन्फॉर्मेशन उसको पहुँचाना, ठीक है। सॉरी, लीव्स नो क्वेश्चन, फिर है हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सॉर्ट आउट क्यूरीज हैं, वो सारी की सारी सॉल्व हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो आपने उसके फैक्ट को क्लियर कर देना है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे देनी है, उसके बाद भी अगर कोई बात रह जाती है, कोई क्यूरी रह जाती है, तो वो उससे पूछें, उसके पूछे कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, फीडबैक लें उससे, उसके बाद फिर उसको जो है वो कोई क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। तो ये फीचर्स हैं कंप्लीटनेस के। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कंप्लीटनेस के अंदर आती है वो 5 W's होते हैं। बेसिकली अगर आपने ये क्लियर कर दिए 5 W's, तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्लीटनेस कम्युनिकेशन के अंदर कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन कौन से हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, इसलिए इसको 5 W's कह देंगे, 5 ये क्वेश्चन मार्क है बेसिकली। हु कौन करेगा, व्हाट क्या काम होगा या कौन उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है, व्हेन
कब परफॉर्म करना है, अगर आपके ऑर्डर की बात करें तो आपको कब डिलीवर ऑर्डर चाहिए, ठीक है, और क्या ऑर्डर चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन परफॉर्म करेगा उसमें से, कौन आपको डिलीवरी देगा, वेयर कहाँ पे आपको वो जो है वो डिलीवरी चाहिए, क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्यों आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। देन फिर एक आता है एज है हाउ, कि कैसे उसको कंप्लीट किया जाए, किस तरह से कंप्लीट होगा वो, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कंप्लीटनेस को एक्सप्लेन करने के लिए इनफ हैं। अगर आपने ये कंप्लीट कर दिया तो आपका जो कम्युनिकेशन का जो मैसेज है वो कन्वे हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी वहां पे। ओके, कंक्लूजन की अगर हम बात कर लें तो रिमेंबर द 5 W's एंड आंसर ऑल क्वेश्चंस। इसके अंदर आपने 5 W को मद्देनजर रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, और सभी क्वेश्चन को उसको आपने आंसर करना है। यही कंप्लीटनेस का जो है वो कंक्लूजन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन लेकर आने के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास कंसाइजनेस। कंसाइज का मतलब होता है मुख्तसिर, कम कर देना, ठीक है, प्रिसाइज कर देना। अब कन्वे द मैसेज बाय यूजिंग फ्यूएस्ट वर्ड, आपने अपने मैसेज को कम से कम वर्ड्स के अंदर कन्वे करना। आप वर्डी एक्सप्रेशंस को यूज करें, आप ऐसी टर्म्स यूज करें जो बहुत लंबी लंबी टर्म्स आप यूज करना शुरू कर दें, नो। आप अगर एक छोटी सी वर्ड के अंदर अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं तो आपको वो वर्डी एक्सप्रेशंस, वो लॉन्ग सेंटेंसेस को यूज नहीं करना, ठीक है, वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। कंसाइज मैसेज सेव टाइम एंड एक्सपेंस, ये उसके आप बेनिफिट्स कह लें, फीचर्स कह लें। जो कंसाइज मैसेज होगा क्या करेगा, आपका टाइम भी सेव करेगा और आपके एक्सपेंसेस भी सेव करेगा, क्लियर है। टाइम किस तरह से, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आपका कम से कम टाइम लगेगा, आप अगर उसको मैसेज टाइप करके बता रहे हैं तब भी कम से कम टाइम लगेगा, अगर सिंपल और फ्यूएस्ट वर्ड्स को यूज करेंगे तो एक्सपेंस भी कम आएंगे, खर्चा अगर फोन पे है तो कॉल ज्यादा लंबी नहीं होगी, मतलब सो ऑन, ठीक है। Eliminating unnecessary words, इसका मतलब यह है conciseness का, कि इसमें से eliminate कर देने हैं unnecessary words, जितने भी unnecessary terms हैं, words हैं जो गैर जरूरी हैं उसको eliminate कर दें, concise हो जाएगा खुद बहुत। Concise message is more interesting, ये बहुत important है कि जो interesting हो जाता है, जितना message concise होगा पढ़ने वाला भी और सुनने वाला भी उसको easily understand कर पाएगा, concise message के अंदर आप अपनी बात को convey कर लेंगे तो interesting हो जाएगा। हाउ टू अचीव कंसाइजनेस, आपने इसको अचीव कैसे करना है, किस तरह से आएगी कंसाइजनेस आपकी कम्युनिकेशन में। नंबर वन, एलिमिनेटिंग वर्डी एक्सप्रेशन। वर्डी एक्सप्रेशन कौन से हो सकते हैं, तीन चीजों की वजह से आप कर सकते हैं एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन। पहला है जिसकी एग्जाम्पल ये कि एट दिस टाइम, ये क्या है, ये वर्डी एक्सप्रेशन है एट दिस टाइम, ठीक है। और कंसाइज वर्ड क्या होगा, नाउ, अगर आप नाउ यूज करें तो एट दिस टाइम रिमूव हो जाएगा, तो वर्डी एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से रिमूव करना है। टू द पॉइंट अप्रोच यूज करनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट अप्रोच यूज करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, आपने सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल यूज करेंगे तो आप कंसाइजनेस को अचीव कर लेंगे। रेलिवेंट मटेरियल किस तरह से, स्टिक टू पर्पज, आपने अपने पर्पज पर स्टिक रहना है, ये नहीं कि आप बात करते करते कहीं और निकल जाए, किसी और बातों की तरफ निकल जाए, वो पर्पज हट जाएंगे आप, ठीक है। तो स्टिक टू पर्पज, देन डिलीट इररेलीवेंट वर्ड, जो इररेलीवेंट वर्ड्स हैं उसको निकाल दें उसमें से, उसको खत्म कर दें, वो आपने नहीं बोलने, वो आपने कम्युनिकेशन में यूज नहीं करने, तो भी आप कंसाइजनेस अचीव कर लेंगे। अवॉइड अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस और इंट्रोडक्शंस, आपने अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस को और इंट्रोडक्शंस को उसमें से रिमूव कर देना है, वो आपने यूज नहीं करने, देन आप कंसाइजनेस को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट ये है हमारा, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, आप एक ही बात को बार बार रिपीट करी जाएं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये डिलीवर करते हैं, हम ये, मतलब नो, ये जो है वो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है कम्युनिकेशन के अंदर, ये नहीं होना चाहिए एट ऑल। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, आपने रेपिटेशन को नहीं करना, वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, टर्म्स को रिपीट नहीं करना, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना, तो कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। अगर आप इन चीजों पर अमल करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप अचीव कर सकते हैं। ये कंसाइजनेस हो गया, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है और किस तरह से परफॉर्म करती है। बेसिकली कंसीडर का मतलब होता है कि हम दूसरे को कंसीडर करें, ना कि अपने आप को कंसीडर करते रहें, अपनी ऑडियंस को कंसीडर करें। जब आप किसी कम्युनिकेशन कर रहे हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको दूसरे बंदे को कंसीडर करना पड़ेगा, वो क्या चाह रहा है आपसे। तो लेट्स फॉर्मली इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं। टू कंसीडर द रिसीवर इंटरेस्ट और इंटेंशन, आपको रिसीवर के इंटरेस्ट को या फिर उसकी इंटेंशंस को, कि वो आपसे क्या चाह रहा है, आपकी ऑडियंस है, आपका डीलर है, आपका एम्प्लॉय है, आपका क्लाइंट है, वो आपसे क्या चाहता है, आपने उसको कंसीडर करना, ना कि अपनी बात उस पर मसलत करते रहना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोकस ऑन यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसीडरेशन के अंदर, कि आपने यू वाला जो फॉर्मूला है उस पर फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ आई एंड वी, कि हम आई एंड वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, नो, यू
फिर ठीक है हमने यू पे फोकस करना है। मैं इसकी आपको एग्जांपल भी देता हूं, एग्जांपल इसके अभी से ले ले, फोकस ऑन यू का क्या होगा कि अगर हम डिसाइड करेंगे अगर हम वी एटीट्यूड या आई एटीट्यूड रखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल एक्सटेंड द शॉपिंग आवर्स। ये क्या है, ये हमने वी एटीट्यूड को लिया कि हम अपने शॉपिंग आवर्स को एक्सटेंड करें। सो व्हाट, कस्टमर के लिए, ऑडियंस के लिए, क्लाइंट के लिए क्या है? करो, करते हो तो आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो इट साउंड्स वी एटीट्यूड दे रहा है। ओके, नाउ कम टू द कंसीडरेशन, अगर हम यूज करें और यू एटीट्यूड को यूज करें कम्युनिकेशन में तो क्या इंपैक्ट होगा। यू विल नाउ बी एबल टू शॉप मोर विद द एक्सटेंडेड आवर्स। इससे वो क्या होगा, उसको प्रेस्टीज फील होगी कि आपके लिए हमने शॉपिंग आवर्स को एक्सटेंड कर दिया है, आप जब चाहें अब लेट नाइट भी शॉपिंग कर सकती हैं। तो क्या होगा कि उसको प्रेस्टीज मिलेगी, उसको रिस्पेक्टफुली उसको पता लगेगा कि यार ये मुझे कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडरेशन जब आप ये करते हैं तो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि आप दूसरे को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। सो फोकस ऑन यू। उसके बाद है शो ऑडियंस बेनिफिट। ऑडियंस के बेनिफिट में बात करें, बात को आपको समझ आ गई है लेकिन फिर इन डिटेल आपको बता रहा हूं कि ऑडियंस के बेनिफिट में बात करनी है। एम्फोसिस पॉजिटिव प्लीजेंट फैक्ट, आपने उन चीजों पे बात करनी है जो, या आपने उस पर एम्फोसिस करना है जो प्लीजेंट फैक्ट हों, जो खुशगवार लम्हात हों उसमें, और जो पॉजिटिव चीजें हों आपने उसको हाईलाइट करने की कोशिश करनी है अपने कम्युनिकेशन के दौरान। इसकी एक टर्म यूज की जाती है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। इसका क्या मतलब है कि उस बंदे का एजुकेशन बैकग्राउंड देखें कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो किससे ज़्यादा अटैच है, उस चीज़ को स्टडी करें, उसको कंसीडर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस को कंसीडर करें। फिर है मॉडिफाई योर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ऑडियंस नीड। जो ऑडियंस आपसे चाह रही है उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स को मॉडिफाई करें, अपनी ही बात ना करते जाएं। आई और वी एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना आपने। सपोज आप एक कंसर्ट करें, आप गाना गाते हैं, आपकी ऑडियंस वो गाने पसंद ही नहीं करती, आपकी ऑडियंस उसको लाइक ही नहीं करती, आप लगे हुए हैं झूमर डालने उन गानों पे। सो दिस इज नॉट द गुड कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट एज वेल। शो हाउ योर रिसीवर विल बेनिफिट फ्रॉम मैसेज। उसको ये शो करवाना है आपने कि जो आप उसको बात बता रहे हैं, जो मैसेज आप उसको दे रहे हैं, उसके लिए ये कितनी बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिट रखती है ये बात, ये आपने उसको एम्फोसिस दिलवाना है इस बात पे। दैट इज द कंसीडरेशन। अगर आप ये सी यूज करते हैं कंसीडरेशन वाली, तो ऑब्वियसली आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अचीव कर लेंगे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस क्या होता है, इसको अगर थोड़ा डिटेल में देखें कि इट मीन्स मैसेज शुड बी स्पेसिफिक। आपने अपने मैसेज को स्पेसिफिक रखना है, ना कि आपने जर्नल सेंस बात करनी है कि ये हो रहा है या वो हो रहा है, टू द पॉइंट बात करनी है और जर्नल सेंस में बात नहीं करनी, स्पेसिफिक चीज पे बात करनी है आपने। उसके एग्जांपल भी आपको देता हूं आपको। मिसअंडरस्टैंड, अच्छा अगर ये कंक्रीटनेस नहीं होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर आपने बहुत ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी जनरली तो क्या होगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ वर्ड बीच में से मिसअंडरस्टैंड होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी कम्युनिकेशन में। टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उसी के अबाउट बात करनी है टू द पॉइंट रह के। चूज इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। वो वाले वर्ड्स आपने चूज करने हैं जो आपका इमेज बढ़ा रहे हो, इमेज बिल्डिंग कर रहे हो आपकी, ना कि आपको डिग्रेड कर रहे हो, आपको डाउन नेगेटिव चीजों पे आपने फोकस नहीं करना। ओके, देन है वर्ड्स आर क्लियर एंड बिल्ड रेपुटेशन। आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर भी होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होने चाहिए, और आपका इमेज जो है वो रेपुटेशन भी आपके बढ़ा रहे हो, आपका इमेज बिल्डिंग कर रहे हो, ना कि वो आपको नेगेटिव साइड्स पे लेके जा रहे हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। इन जर्नल सेंस हम क्या बात करेंगे कि अगर जब बात करूंगी, जहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कंक्रीटनेस में, कि आपने जर्नल बातें नहीं करनी, आपने स्पेसिफिक आना है टू द पॉइंट। ओके, जर्नल की एग्जाम्पल ले लें। ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। जर्नली हम बात की हमने किसी भी स्टूडेंट के बारे में। ओके, नाउ कम टू द कंक्रीट पॉइंट, द स्पेसिफिक पॉइंट। अली जीपीए इन बीएससीएस सेशन is 3.95 out of 4 and stood first in the class. आपने स्पेसिफिकली के अबाउट बात की है कि वो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, क्लास में फर्स्ट आता है, और वो इस जगह से ताल्लुक रखता है, इस चीज से ताल्लुक रखता है, इस डिपार्टमेंट से। ये जर्नल बात की गई है, तो आपने स्पेसिफिक बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है। दिस इज द फोर्थ सी ऑफ कंक्रीटनेस।
ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लैरिटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि स्टेटमेंट भी बोली जाती है कि एक्यूरेटली इज द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। जब आप क्लैरिटी को चाहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, तो आपको एक्यूरेट होना पड़ता है। जो बात करेंगे वो एक्यूरेट होगी, जो फैक्ट प्रेजेंट करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इजी वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, कंसाइज मैनर के अंदर होनी चाहिए। तो क्लैरिटी तभी आएगी जब आप एक्यूरेटली उस चीज को प्रेजेंट कर रहे होंगे। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मैसेज शुड बी वेरी मच क्लियर। जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो इजी मैनर्स के अंदर उसको अगले को समझ आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज चूज प्रिसाइज वर्ड्स। आपको हमेशा जो है वो प्रिसाइज वर्ड चूज करने हैं, वो वर्ड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रिसाइज वर्ड्स होंगे एट द पॉइंट की बजाय कि आप जो है वो नाउ यूज करेंगे। मीन्स टू से दैट कि आप कंसाइज हो जाएंगे, थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे, ताकि इंटरेस्टिंग वर्ड्स आप यूज कर सकें। ऑलवेज चूज फेमिलियर वर्ड्स। वो वर्ड चूज करें जो फेमिलियर हो, जो अगला बंदा नेक्स्ट पर्सन जो कम्युनिकेटर है आपका, लिसनर है आपका, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाए और इजी वर्ड के अंदर उसको वो वर्ड्स को जानता हो। फेमिलियर आप ऐसी फ्रेजेस यूज करें, आप ऐसी टर्म्स यूज करें जो उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, तभी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आएगी इफ यू आर यूजिंग द फेमिलियर वर्ड्स। उसके बाद इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। जो आपने सेंटेंसेस यूज करने हैं या पैराग्राफ, वो इफेक्टिव होने चाहिए, वो इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए कि वो उसका एक इम्पैक्ट हो, ठीक है। पैराग्राफ्स हो, उसके अंदर सेंटेंस बने हुए हों, इजी सेंटेंसेस के अंदर आपने उसको लिखा हो। तो अगर क्लैरिटी चाहते हैं तो आपको ये चीज जरूर यूज करनी पड़ेगी, तभी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगी, अगर आप क्लैरिटी लेकर आते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ये क्लियर वर्ड्स हैं और ये नॉट क्लियर हैं। अभी हम एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, अगर लिखा है इनवॉइस तो क्लियरिटी अंडरस्टैंड आ रही है और क्लियर समझ भी आ रही है बात, ठीक है। अगर लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, एक तो लेंथी स्टेटमेंट है, कंसाइज नहीं है, इनवॉइस कंसाइज भी है, मीनिंग भी क्लियर है उसका। तो ये चीज हमें अडॉप्ट करनी है अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, तभी हम इफेक्टिव हो सकेंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, सब पता है कि फॉर एग्जाम्पल यूज किया जाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है। और अभी इजी लिख दिया जाए, कुछ लोगों को इजी की टर्म का नहीं पता तो वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो ये भी एक आपको जो है वो नॉट क्लियर की तरफ इशारा दे रही है। तो आपको क्लियर वर्ड्स को यूज करना है। यूज इफेक्टिव सेंटेंसेज एंड पैरा, जो मैंने यहाँ पे बात की है इसको डिटेल बताने लगा हूँ कि इफेक्टिव सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ आपने किस तरह से यूज करने हैं। उसका सबसे पहले आता है लेंथ। उसमें लेंथ आपकी क्या है, शॉर्ट लेंथ आर प्रेफरेबल होती है। आपने लेंथ जो है पैराग्राफ की या सेंटेंस की वो क्या रखनी है, शॉर्ट रखनी है, नंबर वन। उसके बाद यूनिटी, यूनिटी की वन मेन आइडिया, आपका एक आइडिया मेन होना चाहिए और जो बाकी आइडियाज होंगे वो उससे रेलिवेंट होंगे, रिलेट करते हुए होने चाहिए। अदर्स मस्ट बी रिलेटेड टू मेन आइडिया, वो मेन आइडिया से रिलेटेड होने चाहिए। कोहेरेंस की बात करें कि वर्ड्स आर करेक्टली अरेंज, आपके जो वर्ड्स हैं जो आपने बोलने हैं, जो आपने लिखने हैं, ड्राफ्टिंग करनी है, वो अरेंज प्रॉपरली हो। जो वर्ड जिसके आगे सामने आना चाहिए वो वहीं पे यूज होना चाहिए। जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके सेंटेंसेस करेक्ट होने चाहिए, जो वर्ड आप जहां यूज करना है सेंटेंस को, वर्ड को, वो वहीं पे ही आना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट करेक्ट होनी चाहिए। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर एम्फोसिस है। एम्फोसिस क्या होता है कि आपने मेन पार्ट पे उस सेंटेंस के, उस पैराग्राफ के आपने फोकस करना है किस तरह से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस के अंदर मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो आपने प्रॉपर इन्फ्लुएंस देना है, एम्फोसिस करना है मेन क्लॉज पे भी और उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। तो इस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव जो है वो बना सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ है कर्टेसी। कर्टेसी का क्या मीन होता है, कर्टेसी मीन्स नॉट ओनली अवेयर ऑफ अदर पर्सपेक्टिव्स बट फीलिंग्स। आप दूसरे बंदे के एहसास को भी जानें, उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करें, ना कि सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव को कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या देख रहा है, वो क्या समझ रहा है, आपकी बात को समझ रहा है, उसकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। ये आता है हमारा कर्टेसी के अंदर। कंसिडर योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को कंसिडर करें कि उसके जज्बात क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या अंडरस्टैंड करना चाहती है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आप उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। शो रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखें, उनके लिए कंसर्न रखें कि यस आई एम केयरफुल अबाउट यू, मैं आपके लिए केयरफुल हूँ, मैं आपके लिए दर्द रखता हूँ, मेरे पास फीलिंग्स हैं, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ, ठीक है, फिर अपनी बात को कन्वे करें आप। एड प्लीज थैंक यू इन अ वेरी, जिसको कह लें कि आप एक अच्छे अंदाज के अंदर, एक खुशगवार अंदाज के अंदर, प्लीजेंट मैनर्स के अंदर आपने प्लीज या थैंक यू के वर्ड जो है वो ब्यूटीफुल मैनर्स के अंदर आपने उसको वहां पे यूटिलाइज करने हैं, यूज करने हैं। चूज मिस अंडरस्टैंडिंग्स, मिस डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्रेशन।
आपने नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो एक्सप्रेशन है वो चूज करने, ये ना होना चाहिए कि आप कोई इस तरह का एक्सप्रेशन दें जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो दूसरे पर्सन से, या उसके लिए आप कुछ एक्सप्रेशन यूज किए हैं दूसरे के लिए कुछ, या इस तरह के जो हकारत वाली नजर के, या ऐसे एक्सप्रेशन जो दूसरे को अनॉय करें, गुस्सा दिलाएं, इस तरह के उसको उसको बुरा फील हो, ऐसे एक्सप्रेशन से आपने अवॉइड करना है। यही कर्टेसी के अंदर हम सीखते हैं कि जब भी कम्युनिकेशन करनी है तो आप एक प्लीजेंट वे के अंदर कम्युनिकेट करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ टैक्टफुल वर्ड्स क्या हैं और मोर टैक्टफुल कौन से और टैक्ट लेस कौन से है, मीन्स टू से दैट कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं। एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूपिड लेटर, आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट, मैं इसमें से कुछ भी समझ नहीं सका, ये स्टूपिड लेटर है, आपका एक वे ऑफ टॉकिंग है दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन का। दूसरा जो टैक्टफुल वे के अंदर आपने उसको कैसे गाइडलाइन करना है कर्टसी की अगर हम बात करें, इट्स माई अंडरस्टैंडिंग दैट आई डिड नॉट गेट वट यू मीन, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि मैं जो आप बताना चाह रहे हैं उसको मैं एक्चुअली परसीव नहीं कर पाया, मैं उसको एक्चुअली समझ नहीं पाया। तो आपने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर, क्लियर वर्ड्स के अंदर आपने अपनी बात को समझा दिया टैक्टफुल वे के अंदर। तो ये हमें कर्टेसी बताती है कि हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इस तरह से कर्टेसी को, ये जो सिक्स सी है उसकी, इसको इस तरह से यूज करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लास्ट सी जो हमारे पास है वो है करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होती है और किस तरह से रोल परफॉर्म करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उसको देख लेते हैं। यूज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, जब आप कम्युनिकेशन लिख रहे होते हैं, कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको जो ग्रामेटिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिमूव करना है, पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है, ताकि अगर इनमें से कोई एक भी चीज गलत होती है तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, जो बात आप समझाना चाह रहे थे वो समझ नहीं पाएगा, इंटेंडेड बात जो आपके माइंड में है वो आप एग्जैक्टली दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते, आपका कस्टमर हो, क्लाइंट हो या कुछ भी हो। तो सो दैट के प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग को आपने यूज करना है। यूज राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज यूज करनी है जो कॉमन होगी। राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज का मतलब यही है, कॉमन लैंग्वेज यूज करें, वो लैंग्वेज यूज करें जो दूसरा अंडरस्टैंड भी कर सकता हो, जो सबसे ज्यादा यूजेबल हो, स्टैंडर्ड हो उसका, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज को यूज करना, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पर्पज है। फिर अब इसके अंदर हम डिफरेंट बात करते हैं कि या तो वो फॉर्मल लैंग्वेज हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है या सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो सकती है। फॉर्मल, इनफॉर्मल और सब स्टैंडर्ड क्या होती है जी? अब जो फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है ये ज्यादा आर्टिकल्स लिखने के लिए, रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए यूज की जाती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स को यूज करने के लिए लिखी जाती है, गवर्नमेंट की कोई भी चीज हो तो एग्रीमेंट्स हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, इसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, ऑब्वियस बात है। फिर आती है हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है मोर फॉर्मल और एक होती है लेस फॉर्मल। जो थोड़ी सी ज्यादा फॉर्मल होगी, मोर फॉर्मल होगी, वो क्या है कि आप यूज करते हैं कि पार्टिसिपेट का वर्ड यूज करते हैं। तो अगर इनफॉर्मल, अगर कम उसकी फॉर्मल की बात की जाए तो वो आ जाएगा ज्वाइन उसकी जगह पे, और फॉर्मल में क्या आ जाएगा? प्रोक्यूर आ जाएगा, और नॉन फॉर्मल में क्या आ जाएगा? गेट आ जाएगा। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है जो इनफॉर्मल के अंदर भी मोर फॉर्मल और लेस फॉर्मल पाई जाती है, तो वो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो है वो कम्युनिकेशन मोर फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है, लाइक इनफॉर्मल के अंदर मोर फॉर्मल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ऐसी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो जिसका कोई लीगल और कुछ नहीं है, तो उसके अंदर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में लेस फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है सब स्टैंडर्ड। अब इसका मतलब क्या है? कांट हार्डली। अब सपोज करें कि सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या है? कांट हार्डली, ठीक है। इररिगार्डलेस, उसकी जगह पे रिगार्डलेस को यूज करेंगे। यस आई कैन डू, कैन डन, मतलब कहने का ये है कि आपने जो नॉट का वर्ड यूज करना है या नेगेटिव जेस्चर प्रोवाइड करना वो नहीं होना चाहिए। सब स्टैंडर्ड के अंदर हम ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज आपने यूज करनी है। फिर है चेक एक्यूरेसी ऑफ द फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड। जो आप बात कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी आपने चेक करनी है, फिगर्स की, जो अगर कैलकुलेशंस हैं तो उसकी, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, वर्ड्स की बात कर रहे हैं, उसके स्पेलिंग्स को, उसकी जो फैक्ट्स हैं, जो आपने हकायक बताए हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा आप, उसको आपने कंप्लीट चेक करना है। आपकी कम्युनिकेशन पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम आपके पास मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म। आपने जो राइटिंग का एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसको मेंटेन करना है। अगर आप वो यूज नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वो कैसे? करेक्ट ग्रामेटिकली, जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो बात सही नहीं पहुंचेगी दूसरे बंदे तक। केयरफुली रिटन, आपने जो भी लिखना है वो केयरफुली रिटन लिखा जाए, बार बार मिस्टेक्स ना हो उसको। अगर मिस्टेक्स होंगी तो वो अगला बंदा पढ़ने वाला भी ये कहेगा कि ये मैनिपुलेट किया जाए, ये मॉडिफाई किया गया है। सो आपने जो भी यूज करनी है लैंग्वेज वो करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेंटेंस के भी, वर्ड्स के भी, पंक्चुएशन के भी, स्पेलिंग्स के भी,
तभी आप जो है वो जो बात करेंगे वो एक इंपैक्ट रखेगी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकेंगे। जो 7 सीज मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी वो हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतनी डिटेल में लेक्चर बनाया है, वीडियो जरूर थोड़ी सी लंबी है लेकिन इतना डिटेल्ड लेक्चर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आप इसको अपनी असाइनमेंट्स के लिए, आप इसको नोट्स बनाने के लिए, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप पढ़ाने के लिए, आप इसको कहीं भी मटेरियल को यूज कर सकते हैं। जो इतना ज्यादा इसमें से कुछ भी आपको जो है वो नहीं समझ आता तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।